Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं हैदराबादी दाल चा, मजेदार से मटन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये 150 ग्राम चने की दाल है। दो तीन पानी से मैंने धो लिया और फिर फ्रेश पानी में भिगाकर इसे एक घंटे पहले मैंने रख दिया था। अब एक कुकर के अंदर ये जो भीगी हुई दाल है इसे नितार कर डाल दीजिए। सारी दाल को समझिए ना, ये 3/4 से ज़्यादा थी लेकिन एक से थोड़ी ही, एक कप से थोड़ी ही कम थी। तो तकरीबन मैं इसका डबल पानी डाल रही हूँ, तो दो कप पानी डाल देती हूँ क्योंकि एक कप से हल्की ही कम थी। अब जब दो कप पानी डाल दें तो आधा छोटा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पर दो तीन सीटी खिला लीजिए। जब अच्छी दो तीन सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 7-8 मिनट या 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर रहने दीजिए। जब 10 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए एकदम प्रेशर निकल जाए ना उसके बाद चेक कर लीजिए। ये देखिए हो चुकी है। अच्छा, मेन हैदराबादी दालचा के अंदर क्या होता है ना, वो पीस लेते हैं। जब ठंडा हो जाए ना तो आप चाहें तो पीस सकते हैं, बट यूजुअली मैं पीसती भी नहीं हूँ, घोटती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं मेरी दालों को घोटती ही नहीं हूँ। मुझे थोड़ी साबुत साबुत होती तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ स्पून की मदद से ऐसा थोड़ा सा मैश कर दिया। लेकिन आपके पास झेरनी हो दाल घोटनी तो आप उससे घोट लीजिए दाल, और मैं उसे एक अलग पतीली में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। और मेरे पास सिर्फ एक ही कुकर है ना, तो मैं सेम वही कुकर ले रही हूँ। आप चाहे तो कुकर धो के लें या दूसरा कुकर ले लीजिए। मैंने कुकर को नहीं धोया है। तेल डाल दीजिए इसके अंदर और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। 3-4 काली मिरी, 2-3 लौंग, 3 तेज पत्ता, 1 बड़ी डंडी दालचीनी की और 1 छोटा चाय चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए। मैं 3 हरी इलायची भी डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें तड़तड़ा जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई डाल दीजिए, स्लाइस करी हुई, और इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो प्याज का है ना कलर चेंज होना शुरू नहीं हो जाता। ये देखिए कुछ देर में तो कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे, मैं डार्क बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, हल्का कलर चेंज होने लगे तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और फास्ट आंच पर इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, सो दैट क्या है ना, हमारी जो प्याज है वो और ज़्यादा लाल ना हो जाए। गरम है ना ये पतीली हमारी। थोड़ा सा पानी डालकर इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट की। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा भून जाए तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की टमाटरों के छील निकाल लिए और बारीक काट लिया है, वो डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर, मैं फास्ट पर रखी हूँ, इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक ये जो टमाटर है ना ये नम नहीं हो जाते। तकरीबन 3-4 मिनट लगेगी। जब 3-4 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार और 1/2 छोटे चक्का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अच्छा, कश्मीरी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप 1.5 से 2 छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं कम डाल रही हूँ और आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। चलिए अब आप इसे मिक्स कर फास्ट आँच पर 2-3 मिनट तक भूनिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब 2-3 मिनट हो जाएं और तेल छूटने लगे, ये 1/2 किलो गोश्त था, चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो के मैंने साइड पर रखा था। जब भून जाए तो ये गोश्त डाल दीजिए और इसे भी बार बार चलाते हुए 3-4 मिनट तक पकने दीजिए फास्ट आंच पर। बार बार चलाते ही रहिएगा कि नीचे लग ना जाए ना। जब 3-4 मिनट हो जाए और आप देख सकते हैं कि अच्छा भून चुका है, मसाला भी भून चुका है, हल्का हल्का तेल छूटने लगा है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1.25 से 1.5 कप जितना पानी। आप चाहें तो 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। मैं 1.25 से 1.5 कप के दरमियान डाल रही हूँ और इसे डालकर, चूल्हा फास्ट आंच पर ही है, इसे ढककर सीटी, समझिए ना, 2-3 फास्ट आंच पर मैंने सीटी खिलाई, फिर स्लो आंच करके तकरीबन 10-11 मिनट तक मैंने पकने दिया स्लो आंच पर। जब 10-11 मिनट हो गए तो चूल्हा कर दीजिए बंद।
ये है 20 ग्राम इमली, थोड़े से पानी में इसे आधे घंटे पहले भिगाने रख दीजिए। मैंने 20 ग्राम ली है, मेरे हिसाब से उतना खट्टा बस है, लेकिन आप ज्यादा ओवर खट्टा खाते हो तो आप 30 ग्राम तक इमली ले सकते हो। यहाँ पर क्या बात होती है ना, जब आप घर में बनाते हो आपके हिसाब से ये सारी चीजें खटास तिखास ये सारी एडजस्ट कर सकते हो। जब आप चूल्हा बंद कर दे उसके बाद कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद खोल कर चेक कर लीजिएगा। पूरा प्रेशर निकलने के बाद चेक कीजिए, हमें गोश्त है ना तकरीबन 85-90% ही गलाना है, पूरी तरीके से नहीं गलाना है। इसके लिए तो हमने 10 मिनट ही रखा था। चलिए मैं देख लेती हूँ, 85% तक हो गया है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा फिर से चालू कर देती हूँ कुकर का, और यहाँ साइड पर मैंने लौकी रखी है, 250 ग्राम है, धोई हुई और मीडियम पीस करे हुए है, ये डाल दीजिए। इसे एक बार चला लीजिए और फास्ट आंच पर उबाला जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच कर 3-4 मिनट तक बार बार चलाते हुए लौकी और गोश्त को पका लीजिए। 3-4 मिनट हो जाती है तो अब क्या कीजिए, जिसमें दाल मैंने आपसे कहा था ना एकदम स्टार्ट में कि मैंने पतीली में दाल दिया है, वो दाल वाली पतीली के अंदर मैं सारा गोश्त और जो सारा ग्रेवी है वो सारा डाल देती हूँ। लौकी भी इसमें ही डाल दी, और अब इसे फास्ट आंच पर उबलने दीजिए, एक दो बार चला लीजिए सो दैट दाल भी मिक्स हो जाए हमारी ये ग्रेवी के अंदर अच्छे से। जब दाल अच्छी मिक्स हो जाए तो आप चाहे तो 1 कप पानी डालें, आप चाहे तो 1.5 कप पानी डालें या 2.25 कप पानी डालें। मैं 2.25 कप पानी डाल रही हूँ, पहले थोड़ा डाला फिर से थोड़ा डाल रही हूँ, तो 2.25 कप टोटल डाला है। एक बार चला लीजिए हमारी जो दाल को दालचे को, और चूल्हा फास्ट आंच पर ही रहने दीजिए। अब आप चाहे तो 6-8 हरी मिर्चियाँ स्लिट करी हुई डाल सकते हैं, बट मैं 3-4 डाल रही हूँ। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, आधा छोटे चक्का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, और हमने इमली का साइड पे जो रखा था ना उसको मैंने पूरा अच्छे से पल्प निकाल लिया। आपको पता है किस तरीके से पल्प निकालते हैं, तो सारा जो पल्प है वो सारा इमली का डाल दीजिए। अच्छा, हमने नमक तो डाला ही नहीं है, तो नमक दाल के भाग का भी डाल दीजिए, और इसे एक बार चला लीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए हमारी दालचे के अंदर तो इसे स्लो आंच कर तकरीबन 12-15 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद 1 घंटे के बाद अब मैं जब सर्व कर रही हूँ, फिर से चूल्हा फास्ट आंच पर नहीं रखा है, स्लो पर रखा कि थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी भी कितनी परफेक्ट है, बहुत गाढ़ी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है, और दूधी भी देख सकते हैं एकदम मैश नहीं होनी चाहिए दूधी, एकदम ऐसी दूधी होनी चाहिए कि गल गई हो लेकिन एकदम भूसी नहीं हो गई हो। तो चलिए अब मैं इसे हटा देती हूँ और यहाँ पर एक प्याली रख देती हूँ, उसमें अच्छा से तेल डाल दीजिए और उसे अच्छा गर्म हो जाने दीजिए। जब अच्छा गर्म हो जाए तो क्विकली इसके अंदर डाल दीजिए आधा छोटे चक्का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, क्विकली मिक्स कीजिए और क्विकली वो आप इमीजिएटली हमारी दाल के ऊपर डाल दीजिए। तो यह आ गई तरी हमारी दालचे के ऊपर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, और ये बन गया हमारा मजेदार सा लजीज दालचा। आप चाहे तो चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और इमली का जो पल्प है वो आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। जो दूधी के बाद हम जब डालते हैं पानी, वो भी आप आपके हिसाब से 1 कप या 1.5 कप जितना पानी डाल सकते हैं, आपको कितनी गाढ़ी पसंद है उसके ऊपर। है ना मजेदार, बहुत ही मजेदार है, जरूर बनाइएगा, उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसी बनती है। और अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने बनाया है तो आपको कैसी लगी, और जल्दी जल्दी ये वाली वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो की लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।